قرآن تکول انتهائی ضروری ذکر ہی چیتا دا محدود وسائلوں کے رسکیوں سمرہ چیوی آگا تکول ایشی لکا پایا واسے مندکار کول ایشی دو دے دا پارا نم نارس کو پا نارس مند مہارت او باگی کی ایکسپرٹ کی حاصل اولو دا دا پریکٹس کار دے چیتا سری نو سٹارٹ کے چکم نارتے نو دیتا ہوئی تم نارت تم نارت کے رم دے دا پارا لگاو रस्सी के शुरू और रस्सी के आखिर में हम तम नाट का घेरा लगाते हैं ताकि रस्सी बिगड़ने से महफूज रहे और मजबूत रहे। तार से रस्सी जो परमानेंट है और कंप्लीट है, बिगड़ी हुई नहीं है, ये क्रेडिट जो है ये तम नाट हो जाता है। तो तम नाट का घेरा इसी तरह सिंपली डाला जाता है, ठीक है। इस तरह आप डाल दे तो ये रस्सी का जो सिर्रा है ये ठीक है बिखर जाएगा, रेशा रेशा हो जाएगा, लेकिन बाकी रस्सी जो है वो सालिम होगी और इस पर आप किसी किस्म की एक्टिविटीज रिस्कियों का जो काम है वो आप इजीली कर सकते हैं और आसानी कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देगा। अगर आपको रस्सियों के बारे में इलम हो और नार्स लगाने का इलम हो और इसमें महारत हो तो ये सिविल डिफेंस की जो नार्स है रिस्कियों वाले वो ऐसे नार है कि आसानी के साथ लगते हैं और आसानी के साथ खुल जाते हैं और एक मजबूत नार होता है जो काम के दौरान वो खुलता नहीं है और ये एक महफूज नार तसव्वुर किया जाता है। तो ये है तम नार का घेरा। तम नार का घेरा अगर हमें एक मौके पर ऐसा कहा जाए कि आप तीसरे या चौथी मंजिल वाला बिल्डिंग से आप रेस्क्यू कर दे तो रस्सियों के जरिए अगर हमने करना होता है तो आप सारी रस्सी को अगर एक टाइम में आप तम नाट के घेरे से भरना चाहते हैं तो इस तरह आप रस्सी का स्टैंडिंग पार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड में आप पकड़ लें। पकड़ने के बाद आप रस्सी का लूप बना के बाहर की तरफ से आप डाल लें, ठीक है। बाहर की तरफ यानी स्टैंडिंग पार्ट जो है वो आपकी तरफ होगा और लूप जो है उससे आउट होगा, बाहर की तरफ से होगा। फिर आप इस लूप को इस तरह बाइट बनाते जाए और इसके साथ जो स्टैंडिंग पार्ट है अपनी तरफ से आप डालते जाए, ठीक है। इसी तरह आप डालते जाए, यहां पर आपका ये लूप जो है इस तरह आना चाहिए, ठीक है। आप गिन दे एक दो तीन चार पाँच, पांच लूप जो है वो आपने डाल दिए। अब हमें चाहिए कि जितनी भी रस्सी का लेंथ हो तो सारी रस्सी ये जो है एक टाइम में तम नाट के घेरे से भर जाए। तो इसके लिए आप इसकी स्टैंडिंग पार्ट को सारे लूप में से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ ला दें और इसको आप गिरा दें। पांच लूप हमने बनाए थे और पांच रस्सी के जो तम नाट के गिरे हैं वो आपके सामने नजर आ गए एक दो तीन चार और ये पांच, ठीक है। अब आपके साथ दूसरा रस्सा जो है वो भी आप इस तरह कर दे, इस रस्सी को भी आप इस तरह कर दे कि ये रस्सी भी तम नाट के गिरे से आप पर दे। जिस तरह के हमने बाहर की तरफ से यह लूप डाल दिया आप ये अंदर की तरफ से आप डालते जाएं। चलो ये रस्सी कम है, इसमें चार गिरे जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो बाहर की तरफ से आप अंदर की तरफ ला दे स्टैंडिंग पार्ट को और इसको गिरा दे तो ये चार नाट जो है ये आपको सामने नजर आ जाएगी। अब अगर आपके पास लकड़ी के कुछ टुकड़े हो तो आप उसको उठा दे और इस तरह इससे आपने अब मैनुअल सीढ़ी बनानी है। इसको कैंच ले, साथ में दूसरे जो रस्सा है दूसरा उसको भी डाल ले, ठीक है। इस तरह इस रस्सियों को आप एक लेवल पर ला दे ताकि वो एक दूसरे के करीब
आ जाए, सामने आ जाए, तो इस तरह जो लकड़ी के जो तिनके होते हैं, जो शाखें होते हैं, आपने इसमें भी इस तरह डालना है। आप जितने भी आपके साथ ये तम नाट के गिरे हैं, इसमें इसी तरह तिनके लगा दे, कम से कम फुट फुट का जो शाख हो वो होनी चाहिए। तो ये आप ऊपर बंदे को दे दे, जो आपका साथी ऊपर मौजूद है, वो किसी चीज़ के साथ, लंटर किसी पेलर के साथ, किसी और चीज़ के साथ इसको बांध लेंगे, और आप नीचे भी इसको बांध ले, और इसी तरह आप इस पर यहाँ पांव रख दे और यहाँ पर हाथ लगा दे। इसी तरह ऊपर वाले को आप हाथ लगा दे, और इसी तरह आप जो है पांव आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आप चढ़ जाएंगे, और आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा रस्सी का, जो मैनुअल लैडर की शक्ल में है, और आसानी के साथ आप ऊपर जा सकते हैं। फिर अगर ऊपर से नीचे आना होगा तो इसी जरिए आ सकते हैं, वरना सिर्फ सिंगल रस्सी के साथ ही आप आ सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका एक मैनुअल सीढ़ी। अब आपने ये सीढ़ी बना दी और आपकी जो फंक्शन थी, आपकी जो ऑपरेशन थी, वो कंप्लीट हो गई। अब हमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि इस